Welcome everyone. Today we will be understanding journal. Now in journal you see the format is that the journal has five main columns. In the first column, date and serial number is written. Next column में particulars लिखते हैं या जिसे हम कहते हैं entry. क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे, जो फॉर्मेट है ट्रांजेक्शन लिखने का, उसे एंट्री बोलते हैं. सो यहां पर जर्नल एंट्री होगी. नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम लेजर फोलियो का, देन डेबिट अमाउंट इन रुपीस एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस. तो ये दो कॉलम्स होते हैं अमाउंट लिखने के, यहां लेजर फोलियो, यहां पर्टिकुलर्स और डेट और सीरियल नंबर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेजर फोलियो. जो जर्नल होता है, जर्नल की बुक में एक कॉलम होता है लेजर फोलियो का. इसी तरह से लेजर बुक में कॉलम होता है जर्नल फोलियो का. फोलियो का मतलब होता है यहां पर पेज नंबर. लाइक मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अकाउंटिंग करने के लिए दो मेन स्टेप्स हैं. नंबर वन, हम हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एज एन एंट्री अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ देयर हैपनिंग. मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगी यहां 1, 2, 3, 4 लिखी जाएंगी. सो आज की डेट की सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डेट डाल देंगे, नेक्स्ट डेट की सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे. सो वन एंड वन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, यू आर रिकॉर्डिंग देम इन द जर्नल. तो जर्नल क्या है, एक तरह से ये बुक हो गई, इट्स अ जर्नल. सो यू हैव पेजेस हियर. यहां ये जर्नल का फॉर्मेट बना होगा हर पेज पर. सो आप ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज करोगे, यहां एंट्रीज शुरू की, ये नंबर वन पेज कंप्लीट हो गया, देन यू गेट बैक टू नंबर टू, नंबर थ्री. तो ट्रांजेक्शंस आपकी नंबर वाइज आएंगी. उसके बाद लेजर में ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं. दिस इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री. फाइनल एंट्री का मतलब है जर्नल से एक एक ट्रांजेक्शन इसमें पोस्ट की जाएगी. सो लेजर बुक में क्या होता है, ऑन ईच पेज एन अकाउंट इज मेंटेन्ड. मे बी वी आर मेंटेनिंग कैश अकाउंट नंबर वन, राइट, बैंक अकाउंट नंबर टू, कस्टमर अकाउंट नंबर थ्री. तो सबके अकाउंट्स है. जब ये एंट्री जर्नल से लेजर में पोस्ट होगी, सपोज मैंने लिखा कैश अकाउंट टू राम अकाउंट, सो कैश अकाउंट मेरा लेजर में किस पेज नंबर पे है, फर्स्ट पेज. तो यहां आ जाएगा लेजर फोलियो नंबर वन, फर्स्ट पेज पे इसकी पोस्टिंग दिखेगी. सेकेंड मैंने लिखा राम अकाउंट, जिससे पैसा मिला. सो अब राम का अकाउंट कहां बन रहा है, सपोज राम का अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड यहां ऑन पेज नंबर से 10. सो 10 यहां लेजर फोलियो आ जाएगा 10. लाइकवाइज जब लेजर में पोस्टिंग होती है तो हर अकाउंट में भी ऐसे ही लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो आता है. ये लिंक है. जर्नल की इस एंट्री को लेजर में किस पेज पर ढूंढ सकते हो, वो लेजर फोलियो है. सिमिलरली लेजर में आप देख सकते हो कि ये जो पोस्टिंग हो रही है ये जर्नल में किस पेज नंबर से ली है. सो वहां पोस्टिंग के साथ उसका एंट्री का पेज नंबर, जर्नल का पेज वन, पेज टू ऐसे लिखा जाता है. सो ये पेज नंबर है. बट राइट नाउ हमें इसको नहीं देखना है, इन द सेंस कि वी आर नॉट मेकिंग द बुक्स. हम तो सिर्फ सेलेक्टिव एंट्रीज करते हैं. सो हमें ये लिखना नहीं होता है, बट वी मस्ट नो वॉट इट मीन्स. अब आप एंट्रीज को पोस्ट करते हो. सो यू पिक अप द ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, यहां डेट लिखते हो और उस डेट की ट्रांजेक्शन नंबर, उसके बाद आप एंट्री करते हैं. नाउ एंट्री करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है. सो एंड सो अकाउंट डेबिटेड. डेबिट को डीआर से लिखते हैं कि ये अकाउंट डेबिट है, इसका अमाउंट यहां लिखा जाएगा. और जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसको टू करके लिखते हैं, टू दिस अकाउंट, और उसका अमाउंट क्रेडिट में. ठीक है, सो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, जो क्रेडिट कर रहे हो वो क्रेडिट में. सो डेबिट ऊपर एज डेबिट आता है, क्रेडिट के साथ टू लगते हैं. और हर ट्रांजेक्शन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, जिसे हम कहते हैं नरेशन. सो नरेशन इज एक्सप्लेनेशन. इसमें क्या, हम ट्रांजेक्शन को ही थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, बींग सो एंड सो हैपन. सो जो भी हमारा इवेंट हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, जो ट्रांजेक्शन हुई, जैसे कैश रिसीव्ड है, सो बीइंग कैश रिसीव्ड, रेंट पे किया, बीइंग रेंट पेड, सैलरी पे की, बीइंग पेमेंट ऑफ सैलरी, गुड्स परचेज किए, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स. सो बीइंग करके आप वो ट्रांजेक्शन की एक्सप्लेनेशन लिखते हो. सो आप इसमें सारी एंट्रीज कर दोगे. अब एक पेज पर जब एंट्रीज फिनिश होती है, उसके बाद क्या किया जाता है, उस पेज का टोटल किया जाता है. इसे लिखते हैं कास्टिंग ऑफ द जर्नल. मतलब
कास्ट कर रहे हो, टोटल कर रहे हो. सो टोटल कैरिड फॉरवर्ड, सीएफ होता है कैरी. कैरी करना मतलब यहां से कैरी करके कहीं लेके जाएंगे. और कहां लेके जाएंगे, अगर ये पेज नंबर वन है तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर टू, जिसमें आप सेम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हो जो भी आगे सीक्वेंस में आएंगी. ऑल राइट. सो यहां से ये जो बैलेंस है ये कैरी हो जाता है नेक्स्ट पेज पे. अब इस बैलेंस करने का, टोटल करने का फायदा क्या है, जब आप टोटल करते हो आपको दिख जाता है कि इतना डेबिट इतना क्रेडिट. और एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल इफेक्ट्स, एक डेबिट में जाता है एक क्रेडिट में जाता है. सो इसलिए हमारी जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए. सो अगर यहां ये टोटल मैच नहीं कर रहा है तो आप चेक करोगे कि कहां मिस्टेक है. सो कहीं आपने हो सकता है अमाउंट गलत लिख दिया, कहीं टोटलिंग एरर है, तो वो चेक करेंगे. और सेम बैलेंस यहां आप लेके आते हो, लेके आने को कहते हैं ब्रिंग करना. सो उसे लिखते हैं टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. ठीक है, दिस इज कैरिड, लेके जा रहे हैं और यहां ये लेके आ गए नेक्स्ट पेज. फिर यहां एंट्रीज होंगी, टोटल करेंगे वो कास्ट करके नेक्स्ट पेज पे. सो इस तरह से जर्नल कंटिन्यू होता है और एंड तक हमारे सारे टोटल्स आ जाते हैं. अब एंट्री लिखने का तरीका तो हमने समझ लिया कि ये फॉर्मेट है, ऐसे लिखते हैं, लेकिन एंट्री बनेगी कैसे, आप एंट्री कैसे लिखोगे कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. सो इसके लिए हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे थे, राइट. आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझे हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली हम हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे. नाउ सपोज हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है कि रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख. बिजनेस शुरू किया कैश के साथ 1 लाख रुपीज. अब किसी भी ट्रांजेक्शन के जो डुअल इफेक्ट है, जो डबल इफेक्ट होता है, उसको समझने का तरीका होता है बिजनेस की भाषा, लेन देन. ये मैं शुरू से फोकस कर रही हूं कि हर एंट्री को करने का, हर ट्रांजेक्शन को समझने का तरीका है कि उसे बिजनेस की लैंग्वेज में समझो. और बिजनेस की लैंग्वेज होती है लेन देन की भाषा. बिजनेस में कभी भी सिर्फ देना 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 या सिर्फ लेना 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 नहीं होता है. बिजनेस में हमेशा लेन देन होगा, कुछ आप लोगे और कुछ आप दोगे. सो क्या लिया क्या दिया. और लेन देन मतलब ये भी आप पहले लेते हो और फिर देते हो, ये बिजनेस सेंस है, राइट. सो आप इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोचो कि बिजनेस को क्या मिला क्या लिया. सो रवि ने जब बिजनेस शुरू किया उसने बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो बिजनेस को क्या मिल गया, लिया क्या, बिजनेस को मिला क्या, कैश मिल गई 1 लाख की, दिया क्या. अब हमें यहां ये इक्वालिटी जरूर होगी, अगर कुछ लेंगे तो कुछ देंगे. दिया नहीं इफ यू डू नॉट पे, क्या रिसीव हुआ क्या पे किया. इफ यू डू नॉट पे तो वो पेबल हो जाएगा, मतलब आज नहीं पे कर रहे तो पे करना तो पड़ेगा ना. लेटर ऑन बिजनेस में से बिजनेसमैन अपना पैसा निकालेगा, सो आपको पे करना पड़ेगा. सो ये पेबल बन गया, पे नहीं हुआ बट पेबल बन गया, मतलब कैपिटल लाइबिलिटी बन गई. कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी बट वो इंटरनल ऑनर को होती है, इसलिए हम इसको सिर्फ कैपिटल लिखते हैं. सो आपकी एक लाइबिलिटी बन गई कैपिटल. तो दो इफेक्ट क्या हुए, कैश और कैपिटल. अब इन इफेक्ट्स का डेबिट क्रेडिट सोचना है. सो डेबिट क्रेडिट में क्या रूल होता है हमारा, हम अकाउंट्स को या तो ट्रेडिशनल वे में क्लासिफाई करते हैं या हम उनको मॉडर्न क्लासिफाई करते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंगली आप इनको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ढूंढते हो. सपोज हम ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो ट्रेडिशनल वे में हमारे अकाउंट्स की 3 क्लासिफिकेशन है, रियल पर्सनल नॉमिनल. सो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये एक पर्सन का अकाउंट है. जो भी अकाउंट्स किसी पर्सन के होते हैं पर्सनल अकाउंट्स. नाउ फॉर डिटेल्स ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस. ओके, सो अब रियल अकाउंट में क्या होगा, कैश आई. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे कैश क्या है, डज इट कम इन और गोज आउट, रूल को फॉलो करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो चेक करो कैश आई या गई. तो कैश क्योंकि हमें आई है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट. और कैपिटल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो अब ये पर्सन जो है, जो ऑनर है, वो रिसीवर है या गिवर है. सो फर्म के लिए वो है गिवर, वो पे कर रहा है. सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर.
तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सो हमारी एंट्री क्या बनी, हमें डेबिट करना है कैश, राइट। सो जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो होगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, और क्रेडिट किसे करना है, कैपिटल को। सो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो जो हमारा जर्नल है उसके फॉर्मेट में एंट्री इस तरह से दिखेगी, सीरियल नंबर 1 यहां हो जाएगा, लेजर फोलियो यहां डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स, नरेशन हो जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय रवि विद कैश और बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री कर सकते हो। तो क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देखे बिजनेस की लैंग्वेज में, वो होती है लेन देन, व्हाट डू यू रिसीव व्हाट डू यू पे। बिजनेस में हमेशा ये असूल होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, तो एक हाथ से आपको कुछ मिलेगा एक आप दोगे। सो क्या लेन देन है, जो लेन देन है जो मिल गया वो अंदर इन आ गया, जो चला गया वो आउट हो गया। सो आपको 2 इफेक्ट नोट करने हैं, रिसीव एंड पे। रिसीव एंड पे हर बार डायरेक्ट नहीं होगा, कई बार वो रिसीवेबल हो जाएगा, कई बार वो पेबल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एट टाइम्स प्रॉफिट और लॉस की वजह से दोनों में बैलेंसिंग नहीं होती, तो बैलेंस हमें करना पड़ता है, उसे प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। सो हमें ये ट्रांजेक्शन के इफेक्ट देखने हैं बिजनेस की लैंग्वेज लेन देन में। सो डेबिट क्रेडिट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, राइट। सो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करते हो। लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल। सपोज ही डिपॉजिटेड 60,000 ऑफ द कैश इन बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का बैंक अकाउंट खोल दिया और उसमें उन्होंने 60,000 कैश जमा करा दी। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। अगेन एंट्री कैसे करेंगे, इफेक्ट देखो, इफेक्ट लेन देन, मिला क्या दिया क्या। अब आप सोचो एज अ बिजनेसमैन, आप बिजनेस का पैसा बैंक में जमा कराने लेके जा रहे हो, सो लेन देन क्या रहा, देना और लेना, ये बिजनेस की लैंग्वेज रहेगी। सो जो डायरेक्टली दिख रहा है, आप पैसा लेके गए वो बैंक में कैशियर को दिया कि ये मनी मेरे अकाउंट में डाल दो, तो आपके हाथ से चला गया कैश, यू गेव अवे कैश, कैश गई, ठीक है, कितनी 60,000, मिला क्या। अब बैंक क्या करेगा, आपको उसके बदले में क्या देगा, कुछ देगा नथिंग, आपके अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपके बैंक अकाउंट में एक एंट्री हो जाएगी, उसमें पैसा आ जाएगा, तो एक एंट्री शो करेगा आपका पासबुक कि आपके बैंक में इतना पैसा है, ठीक है। तो अब बैंक वो आपको पैसा कभी भी दे सकता है जब आप चाहो। सो आपको मिला क्या, आपको मिल गया बैंक अकाउंट में पैसा, राइट। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, सो अब पर्सनल अकाउंट की तरह से क्या रूल रहा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब इसमें बैंक क्या है, बैंक रिसीवर है, क्योंकि आपने जब बैंक को पैसा दिया तो बैंक ने उसे रिसीव कर लिया, सो बैंक इज अ रिसीवर। एज अ रिसीवर उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट कर दिया। कैश में क्या रहा, कैश एक रियल एसेट है, ठीक है, हमारे अकाउंट की कैटेगरीज है रियल पर्सनल नॉमिनल, सो रियल एसेट की तरह इसे क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो रूल्स है वो लिख सकते हो, रियल में रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट, ये रूल है। तो ये रूल है पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट में डेबिट इन क्रेडिट आउट, कैश जा रही है दे रहे हो, आउट हो गई, सो ये आउट है तो इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, डेबिट क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में लिखोगे 60,000। सो ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, ओके। सो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट की। लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल। सपोज गुड्स परचेज्ड
गुड्स परचेस्ड बाय चेक, ओके। चेक का मतलब है बैंक से पैसा जाएगा, अगेन वही रिसीव, लेन देन, आपको मिला क्या, आपने दिया क्या। अब आप सोचो, जब आप गुड्स खरीदते हो, आपके पास क्या आ गए, गुड्स आ गए, उसे हम बोलते हैं परचेजेस। तो आपको रिसीव हो गई परचेजेस, और आपने दिया क्या, चेक दे दिया, मतलब आपके बैंक में से पैसा चला जाएगा, ठीक है। सो अब बैंक में से आउट हो जाएगी मनी, बैंक ने दे दिया, और आपको पैसा के बदले में क्या मिला, परचेजेस। परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट की तरह से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अब परचेज आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, इसे डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें बैंक क्या करेगा, बैंक आपके बिहाफ पे पैसा दे देगा, सो वो गिवर बन गया, ऑल राइट। और ये हो गए एक्सपेंसेस, सो आपका रूल क्या बन गया, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द पर्सनल अकाउंट गिवर। सो आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 20,000। सो ये आपके जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड होगी। इसकी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग द गुड्स परचेस्ड बाय चेक, ठीक है। यहां भी आप लिख सकते हो बीइंग डिपॉजिटेड, कैश है ना, सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। सो दिस इज हाउ यू मेक जर्नल एंट्रीज। हमें क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नोट करना है, उसको दो अकाउंट्स में इफेक्ट होगा एज पर ड्यूअल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो भी आप नाम लो, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, उन दोनों इफेक्ट को नोट करना है, बहुत आसान है। आप लेन देन की भाषा में सोचो, बिजनेस हमेशा लेन देन से चलते हैं, तो सबसे पहले आता है लेना, मिला क्या, और फिर दिया क्या। अब लेन देन के अकॉर्डिंगली आपने अकाउंट्स को नोट किया, उनके इफेक्ट को नोट किया, और उनकी कैटेगरी, अकाउंट्स की कैटेगरी क्या है, इफेक्ट क्या है, राइट। अब अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखोगे, तो इसमें एक मैजिक है विच यू कैन ऑब्जर्व, और अगर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, देन द प्रोसेस ऑफ एंट्री मेकिंग इज वेरी इजी। आप ध्यान से इफेक्ट को देखो, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन लेते हैं, उसके डबल इफेक्ट नोट करते हैं, ठीक है। दो इफेक्ट हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, दोनों इफेक्ट नोट कर लिए। अब इन इफेक्ट से आपने कैटेगरी ली, और फिर डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो किया, और उसके बाद आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अगेन आपने बिजनेस की भाषा में, लैंग्वेज जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की लैंग्वेज में आपने दो इफेक्ट नोट किए, गिव एंड लेन दे, क्या लिया क्या दिया, फिर उसके अकाउंट्स की कैटेगरी और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो किया, आपकी एंट्री बन गई। लाइकवाइज यहां पर भी एंट्री बन गई। सपोज वी टेक अप अनदर ट्रांजैक्शन, वी आर गिवन सैलरी पेड। अब क्या होगा, लेन देन, रिसीव एंड पे, मिला क्या दिया क्या, ठीक है। अब आपको सैलरी पे कर दी, सो विजिबली क्या दिख रहा है, आपने पे किया, पे क्या कर दिया, कैश 5,000। इसके बदले में क्या मिला, आपको कुछ मिला, जैसे जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो परचेजेज एक सॉलिड चीज मिली थी, फर्नीचर परचेज करते हो फर्नीचर मिलता है, यहां पैसे दे रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है, जिसको हम सैलरी देते हैं वो हमें सर्विसेज देगा। तो जब हम कोई भी सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं, तो हम एक एक्सपेंस जेनरेट करते हैं, सो हमारा सैलरी एक्सपेंस हमें मिला, क्योंकि हमें सर्विस मिली है, सर्विस को हम एज एन एक्सपेंस लिखते हैं, सो हमारा एक एक्सपेंस जेनरेट हो गया 5,000 का। अब इसकी कैटेगरी और इफेक्ट, कैटेगरी सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसको डेबिट करेंगे। कैश की कैटेगरी रियल एसेट,
और रियल एसेट्स में रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये जा रहा है पे कर रहे हो तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो इसमें जर्नल में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, पहले जो डेबिट होता है वो लिखते हैं और फिर जो क्रेडिट है वो टू के साथ। नरेशन बीइंग द पेमेंट ऑफ सैलरी, कैश है तो कैश, नहीं तो बाय चेक। ओके, अगेन फिर से मैं कह रही हूं, जो हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, अगर आप उस एनालिसिस को एंट्री के साथ मिलाओगे, एक मैजिक अनवेल होगा, और अगर आप वो मैजिक आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आगे से आपका एंट्री मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो ये जनरल एंट्री मेकिंग हमने सीखा थ्रू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम पहले एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, उसके बाद उसके दो इफेक्ट्स लेते हैं, दैट इज अकाउंट्स अफेक्टेड, कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, उनके नाम आ गए। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर लिख दिया, रियल पर्सनल नॉमिनल, ट्रेडिशनल में यही कैटेगरी है, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आपने इफेक्ट देखा, तो इफेक्ट क्या है, आ रहा है जा रहा है या गिवर है रिसीवर है, इनकम है एक्सपेंस है, सो इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने इनको डेबिट या क्रेडिट नोट कर लिया, जो भी इफेक्ट है। रियल का इफेक्ट अलग है, पर्सनल का अलग है, नॉमिनल का अलग है। रियल में हम इफेक्ट कैसे नोट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमें मिल रहा है या जा रहा है। पर्सनल में हम इफेक्ट कैसे नोट करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो रिसीवर है या पर्सन गिवर है। नॉमिनल अकाउंट में हम इफेक्ट कैसे लेते हैं, कि एक्सपेंस है लॉस है या इनकम है प्रॉफिट है गेन है, सो वो इफेक्ट के अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करके एंट्री बना देते हैं। सो ये हमने तरीका समझा प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री थ्रू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कैटेगरीज। ओके, रियल पर्सनल नॉमिनल। अब नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यही एंट्रीज फिर से हम समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। और मीनवाइल कीप ऑन थिंकिंग, आप सोचते रहो, ये जो हमने ट्रांजैक्शंस एनालाइज की हैं, ये ट्रांजैक्शन है ये एनालाइज की, उसके इफेक्ट नोट किए, फिर ट्रांजैक्शन है एनालाइज की उसके इफेक्ट नोट किए, ट्रांजैक्शन एनालाइज की उसके इफेक्ट नोट किए और फिर डेबिट क्रेडिट किया। इसमें एक मैजिक है, राइट, इसमें एक हिडन रूल है। अगर वो हिडन रूल आप यहां आइडेंटिफाई, प्रोसेस विल बी वेरी क्विक, इट विल बी लाइक दिस। आपको कुछ नहीं सोचना, कोई रूल सोचना नहीं है, आपको सिर्फ उस मैजिक को सोचना है और आपकी एंट्रीज यू होंगी, इट विल बी वेरी क्विक। सो जस्ट थिंक ऑफ दिस, कोई मैजिक इसमें बाहर से नहीं आ रहा है, ये जो हमने एनालिसिस किया है और एंट्री बनाई है, एनालिसिस किया लेन देन की भाषा में और एंट्री बना दी, यहीं पे मैजिक है। आप इसी को आइडेंटिफाई करो, इसी को दोबारा से समझो और सोचो कि डेबिट और क्रेडिट में हमारी एनालिसिस का क्या रोल है। अदरवाइज वी विल अनवेल दिस मैजिक वंस वी आर डन विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड जर्नल एंट्रीज, राइट। सो मीनवाइल थिंक ओवर इट। थैंक यू।